हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी के पल। आज मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए छोटा वाला साबूदाना, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था और फिर उसको मैंने छान लिया है। ये देखिए, 1 कप जितना मैंने साबूदाना लिया है और फिर मैंने 1/2 कप जितना पीनट्स लिया है और थोड़ा सा करी पत्ता, चॉप्ड ऑनियन और ग्रीन चिलीज। बस इतने सामान की ही ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम पीनट्स को कढ़ाई में थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसको मिक्सी करेंगे। देखिए, पीनट्स को ज़्यादा भी भूनना नहीं है हमें, बस उसका कलर चेंज होने तक हमें कढ़ाई में उसको भूनना है। देखिए, हो गया पीनट्स रेडी हमारा। और फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद उसके छिलके निकाल देंगे हम। ये देखिए, हाथ से मल लेंगे उसको और फिर उसका छिलका निकल जाएगा। ये देखिए, साफ़ हो गया हमारा पीनट्स। फिर उसको मिक्सी करेंगे, ज़्यादा पाउडर नहीं करेंगे उसको, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको इतना। और फिर एक कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे और फिर उसमें ज़ीरा डालेंगे, 1/2 स्पून जितना ज़ीरा। फिर ग्रीन चिली, ऑनियन और करी पत्ता डालेंगे। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम। देखिए, हमारा फ्राई हो गया ऑनियन। और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट। देखिए, हो गया। और हम फिर दूसरी तरफ हमारा साबूदाना रेडी करेंगे। इसके लिए एक बड़े वाले बाउल में मैंने मेरा साबूदाना लिया है और उसके ऊपर मिक्सी किया हुआ पीनट्स डालेंगे और उसी में स्वाद के अनुसार हम सॉल्ट डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये बात का आप अच्छे से ध्यान रखिए। ऐसे करेंगे तो साबूदाना हमारा चिपकेगा नहीं, एक एक करके खिलके रहेगा। और फिर ऑनियंस, फ्राई किया हुआ ऑनियंस में हम वो साबूदाना डाल देंगे और फिर इसको सिर्फ 4 या 5 सेकंड के लिए हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिक्सी करना है हमें। मिक्स कर लेंगे तो वो चिपचिपा हो जाएगा। ये देखिए, हमारा रेडी हो गया है। ज़्यादा नहीं भुनना है कढ़ाई में हमें। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। देखिए, चिपचिपा नहीं बना हमारा खिचड़ी। आप ट्राई कीजिए फ्रेंड्स घर में, और कम इंग्रेडिएंट्स से बनता है ये। आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही बनाया है, बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए।